वन प्रश्न नंबर एक दो भाई साहब एक्सरसाइज टू लेवल वन डिस्कस हो रहा है। प्रश्न नंबर एक दो तीन अरे तीन सोच लो तीन में कोई बुराई चार चार अरे बात यही चार पांच पांच सोच लो पांच में कोई दिक्कत छ छ सात काम करा है सबने काम कर रखा है कितने लोगों ने काम कर रखा है शाबाश आठ 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 आठ। तेरा नाम आलोक राज है क्या? तेरा नाम एक क्लास याद मिलेगा मेरे से। आठ नौ नौ दस दस ग्यारह 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 बारह बारह क्या जी बार बार डाउट है क्यों? अ मैन कैन मूव ऑन हॉरिजॉन्टल प्लैंक सपोर्टेड बाय सिमेट्रिकली एज शोन इन द फिगर द वेरिएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सपोर्ट ए। अरे तेरा बात नहीं प्लीज। द वेरिएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सपोर्ट ए विद डिस्टेंस एक्स ऑफ द मैन फ्रॉम द एंड ऑफ द प्लैंक इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए से एक्स दूरी पर। हाँ तो ठीक है, इसमें क्या होगा? दो हुआ है, ये डाउट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा सिंपली। ये 1-1 मीटर दिया हुआ है ना, रॉड का मास दिया हुआ है क्या कुछ? तो मत मानो नहीं दिया था। ये मान लो N1, ये N2, रॉड का मास mg, यहां से x दूरी पे आदमी तो उस पे mg, तो क्लियर। तो N1 प्लस N2 इक्वल्स टू mg प्लस mg। अरे हाँ ना तो बोल सर, सर। क्या चाहिए N1 N2? N1 चाहिए ना बस। तो N2 के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लो, N2 के अबाउट। तो ये दूरी कितनी है? 1, ये कितनी है बीच वाली? 4। तो 2 हो गई है। तो N2 के अबाउट mg का टॉर्क mg इनटू 2, इस mg का टॉर्क mg इनटू 4 माइनस x। अरे हाँ ना बोल। और N1 का टॉर्क बराबर N1 इनटू 4। तो N1 और x में रिलेशन आ गया स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ। अरे यार, अरे कभी तो हाँ ना बोलो। नहीं आया, आया। नहीं आया, आया। क्या लगता? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। yes, कोई कष्ट वाली बात yes, सोच लो। गारंटी yes, पक्का yes, पुनीत का है 12, 13, 14, 15 चाहिए। मोटरसाइकिल वाला चाहिए। वही टेक्निक वाला सवाल है शायद, उसमें डर आगे से उठा लेते हैं। क्या हुआ? क्या बोलते हैं उसे जो आगे से उठाता है ऐसे? उसे व्हीली बोलते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों। तुम लोग तो साइकिल भी उड़ा लेते हो ना, है ना? ये रोड रोलर उठा लेते हो। अच्छा ले बेटा, सवाल नॉर्मल आ सकते, तुम तो नॉर्मल हो ना। सो देयर इज अ मैन, देयर इज अ एक आदमी है जिसका मास 100 किलो है। एक मैं कहां से 100 किलो का हूं? मैं साले से 85 किलो का हूं, प्लस माइनस 10। देयर इज अ मैन ऑफ मास, देयर इज अ मैन ऑफ मास 100 केजी सिटिंग ऑन अ मोटरबाइक ऑफ मास 150 केजी, द डिस्टेंस ऑफ द एक्सल्स ऑफ द व्हीकल्स इज 1.5 मीटर। ठीक है भाई साहब, द कॉमन मास सेंटर ऑफ मास इन द मोटरबाइक इज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर। ठीक है, ये भी समझ में आता है। सेंटर ऑफ मास की लाइन उसने दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, वर्टिकल लाइन गोइंग थ्रू द रियर एक्सल। ठीक है भाई साहब, अब क्या करें इसमें, क्या पूछा है बताओ। What normal force is exerted on the rear wheel by the normal ground when the motorbike starts off with an acceleration of 2 meter per second? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें 15 बार में क्या दिक्कत है मुझे तो बताओ। याद करो साइकिल पे जब भी ऐसी गाड़ी चलती है तो अगले टायर पे फ्रिक्शन कितना लगता है? अगले टायर पे, पिछले टायर पे, दोनों बराबर होते हैं अलग अलग? बोलो क्लियर है? पहले पार्ट में क्या दिक्कत है? What normal force is exerted? बेसिकली नॉर्मल फोर्स की अगर बात करें तो हमारे सेंटर मास के अबाउट क्या बैलेंस होना चाहिए? टॉर्क। क्या बैलेंस होना चाहिए? सारा तो डेटा दे रखा है उसने। अरे सारा तो डेटा दे रखा है उसने,
अबे यार तुम लोग गजब कर रहे हो, फिर से पहली बात, N1 plus N2 equals to Mg, N1, Mg किसका, 150 और 100, 250, अरे हाँ ना बोले यार, N1 plus N2 equals to 2500, N1 plus N2 equals to 2000, अरे हाँ ना बोले यार, तो N1 plus N2 equals to 2500, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला, चलो मैं बहुत बढ़िया 2500, उसके बाद एक इक्वेशन लिखेंगे टॉर्क की, किसकी, टॉर्क की इक्वेशन लिख दो, बैलेंस कर लो, आंसर आ गया, दो N1 N2 निकला है, अरे अभी यही तो कर रहे थे भाई यार, नहीं आया, तो N1 N2 तो निकल आया, तो 15 सवाल हो गए, 15 सवाल पे बोलूं कि समझ आया, आया। अरे एकदम पक्का, अरे सोच लो, एक्सप्रेशन दे रखा है ना, अरे एक अच्छा कंफ्यूज हो गए तुम लोग, तो मैं समझाया तो देख ऐसे ऐसे अपना है जो जो भी है डीजी है ना, ये ऐसे डेटा डेटा दे रखा है, यहाँ पे अपना कहीं आदमी आदमी बैठा हुआ है और ये सेंटर ऑफ मास जो भी है रहा, ठीक है ऐसे डेटा दिया हुआ, अब ध्यान देख ये फ्रिक्शन ऐसे ये ऐसे, मेरी बात ध्यान सुनना, सेंटर मास के अबाउट तो देख, तो ये N1 है और ये अच्छा एक्सेलरेशन कितना दे रखा है जो भी दे रखा है इन्होंने, दो, तो पहली बात N1 plus N2 equals to 250 है कि नहीं, पहले तो बता, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं, 2500 देखना मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, दूसरी बात सेंटर मास पे अपना जो है वो कुल मिला के लग रहा है 2500 नीचे की तरफ, वो तो ठीक है, अपने क्लैरिटी आ गई, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये F1 ये F2 बेसिकली ये F1 ऐसे घुमा रहा है, ये F2 ऐसे घुमा रहा है, पर क्या नेट फ्रिक्शन हुआ F1 माइनस F2, ये F1 माइनस F2 ही तो ML आ रहा है, अरे यार ये एक्सेलरेशन ला कौन रहा है पहले तो, F1 माइनस F2, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो F1 माइनस F2 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 250 इनटू एक्सेलरेशन कितना दिया 2, तो F1 माइनस F2 की वैल्यू रियलिटी में आ गई 500, कितनी आ गई 500 वैल्यू आ गई, अब अगर आप सेंटर मास के बाद टॉर्क देखो तो आपको दिखाई देगा, ध्यान देख N1 का टॉर्क देख 2500 टॉर्क 0, देख इसको बड़ा मान लो F1 माइनस F2, तो F1 माइनस F2 का टॉर्क देख ये दूरी बंदी हुई है, अरे तो F1 माइनस F2 ऐसे उठाना चाहता है, अरे तुझे नहीं आया, आया नहीं आया, अच्छा N1 टॉर्क कैसे घुमाना चाहता है ऐसे और N2 कैसे घुमाना चाहता है ऐसे, अच्छा ये दूरी शायद 0.6 है, ये दूरी कितनी है तो फ्रंट व्हील से कितनी दूरी हो गई टोटल 1.5 है ना, पॉइंट नाइन हो गई ना आगे से, तो देखना देख बाहर टॉर्क किस इसका है N2 इंटू 0.9 बाहर, F1 माइनस F2 इंटू 1 इस बाहर, अरे नहीं आया, अरे मैं सही कर रहा हूं यार, तो N2 इंटू 0.9 प्लस F1 माइनस F2 यानी कि 500 इंटू 1, ये क्यों लिखा F1 माइनस F2 500 है ना, अरे मैं गड़बड़ कर रहा हूं, नहीं सही है सब, इक्वल्स टू N1 इंटू 0.6, ये सर तो ठीक है सॉल्व तो करो, अब सही आ रहा है कि नहीं आ रहा निकाल के देख लो, पूरा सॉल्व भी कर लिया था, आ रहा है देख लो एक मिनट, N2 इंटू 0.9 माइनस N1 इंटू 0.6, अब निकालना क्या था इसमें बताना मेरे को, क्या निकालना है N1 निकालना है, N1 इंटू 0.6 माइनस N2 इंटू 0.9 इक्वल्स टू 500 है ना, N1 निकालना तो N2 के लिए वहां से रख दो, N1 इंटू 0.6 माइनस N2 की वैल्यू क्या आई 2500 माइनस N1 इंटू 0.9 इक्वल्स टू 500, तो N1 माइनस माइनस प्लस तो 1.5 N1 और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 225 ना 2250 राइट 2250 हुआ ना, तो माइनस 2250 इक्वल्स टू 500, तो 500 2750 बाय 1.5 3 बाय 2 N1 इक्वल्स टू 2750 आंसर आ रहा है क्या देखना ही मैं, अरे आ रहा है क्या, अरे आ रहा है क्या, तुम्हें मेरी बात समझ, अरे नहीं आई, आई कि नहीं आई, और देख व्हाट एक्सेलरेशन नीडेड टू लिफ्ट द फ्रंट व्हील, लॉजिकली सुना यहां पे क्या एक ही वैल्यू रखूं कि N2 जीरो हो जाए, उस भाई ध्यान से देख तो इसमें N2 ही आ रहा है, तू ध्यान देगा तो N1 कुछ आएगा, क्या दोनों एक ही टर्म्स में आए, यार कभी तो हाँ ना बोले यार, किसी टर्म्स में आए एक टर्म में, यहां पर अब ये रख तो बताओ एक ही क्या वैल्यू की फ्रंट व्हील उठ जाए, कब उठेगा फ्रंट व्हील,
जब N2 क्या हो जाए, तो यहां पे A रखो और N2 को जीरो कर लो, यहां पे A रखो और N2 को, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया यार, N2 को क्या कर लो, अगर N2 को जीरो कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? एक मिनट, तुम्हें मेरा पार्ट समझ आया कि नहीं आया? अरे सोच लो साला। अच्छा सवाल है, रियल वाला वो बीली जिसे तुम कह रहे हो, वही तो वाला सवाल है। ड्र जहां देखो, जब भी वो अगर मोटरसाइकिल से कभी उठाते हो देखा है तो वो ब्रेक लगा के आगे वाले का और पीछे वाला ब्रेक लगा था, आगे वाले का ब्रेक लगा के पीछे वाले को देता है, तभी तो आगे उठते हैं। एक्सलेट करता है ना वो तेज से, तो वो ब्रेक लगा के तो करता है वो आगे वाले को। हाँ छोड़ता है जब उठाता है, तो पहले ब्रेक लगा के रखता है, भुर भुर करता है, तो सही तो बोल रहा हूँ साले, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली करी हुई है ना। समझ आया कि नहीं आया? अब चला आज जो है सब साइकिल उड़ाएंगे, ये तो साइकिल में से रेस देने से उसका पीछे का टायर घूमता। तो बेसिकली जो आपको एक्सलेशन चाहिए वो होना चाहिए म्यू एन वन, क्या होना चाहिए? तो इतना फ्रिक्शन चाहिए जो चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए। कर लो गया और समझाऊ? अरे हो गया क्या? शाबाश। 18 डाउट है? 18 पहले तो कहिए 15-16-17 क्लियर है? यस सर। अच्छा सवाल है वीली वाला, 15-16-17 बोलो क्लियर है? यस सर 18 होएबल सवाल है। पहले आपने को कहां से छोड़ा है? आपको छोड़ा है शायद 60 डिग्री से, नहीं हॉरिजॉन्टल से छोड़ा है। कहां से छोड़ा है? जब हॉरिजॉन्टल से नीचे आओगे तो क्या ओमेगा निकाल सकते हो? पहले बताओ। अब ओमेगा निकालते बस कुछ मत करना, ध्यान सुनना। ओमेगा निकाल लेगा, ओमेगा कैसे निकालेगा? सिंपल सी बात, आपका जो सेंटर मास है वो नीचे आ जाएगा, एम जी एल बाई टू, एम जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा। यार प्लीज थोड़ा ढंग से करो डिस्कशन। एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा, बहुत बढ़िया साहब। यहाँ से ओमेगा निकलाया, क्या निकलाया? यहाँ से ओमेगा निकलाया। इतनी ओमेगा से वैसे आपकी रॉड चल रही थी, पर रॉड जो है एकदम से ऐसा कुछ हुआ किसी आधी रॉड टूट गई, पर इसने बोला जो आधी रॉड टूटी उसने ऊपर वाली रॉड पे कोई फोर्स, मतलब ऊपर वाली रॉड पे कोई ओमेगा में चेंज। अब जो आपके पास रॉड बन गई, ध्यान से देखो, ऐसी बनी जिसकी लेंथ कितनी है? एल बाई टू। तो उसका सेंटर मास कितना है? एम बाई टू। लेंथ कितनी है? एल बाई टू। सेंटर मास कहां पर है? एल बाई फोर। पर ओमेगा तो पुरानी वाली है। अब कितनी ऊपर जाएगी उसको निकालने में कौन सी खास बात? ध्यान देख, मान ली आपने ऊपर ऐसे गया, तो मान ली एंगल थीटा है, तो ये ऊपर आया एल बाई फोर वन माइनस कॉस थीटा। अरे कभी तो हाँ ना बोल। तो इस समय यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्व है, यहां से लेकर यहां तक, तो लिखा गया हाफ आई। आई अब तो लिखा जाएगा एम एल स्क्वायर, एम एल बाई टू का होल स्क्वायर बाई थ्री। तुम्हें समझ में आया मैंने क्या लिखा है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पुराना वाला ही, इसमें कोई शक वाली बात, इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एम बाई टू जी एल बाई फोर वन माइनस कॉस थीटा। अरे भाई साहब तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? सोच लो पक्की बात, आ जाओ। हाँ भाई कहाँ पहुंचे? 18, 19 काम कराए, 20, 21, 22 सोच लो, कोई दिक्कत? 23, 24, 25 डाउट है? 23, 24, 25 ये डाउट नहीं होना चाहिए। ये कौन सा सवाल है? नया दिख रहा है, लाओ पढ़ते हैं। इसमें डायग्राम गलत तो नहीं लग रहा है? इधर का उधर, ये दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए था? ये एक ही तरफ कैसे झूलेगा? चलो देखते हैं, मेरे सवाल दिया पढ़ना पड़ेगा। फिगर शोज अ कंपोजिट पुली दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू सिलेंडर्स आर एंड टू आर स्टैक्ड कोएक्सियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंपोजिट पुली इज एम आर स्क्वायर बाई फोर, अ स्ट्रिंग इज वाउंड ओवर पुली एंड अनदर पुली ए ऑफ मास एम इज हैंग्ड थ्रू द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। ये तो एक ही तरफ आ रहा है दोनों, तो कैसे लटका रखा है इन्होंने? फिर ये दोनों अलग तरफ नहीं लटके होने चाहिए थे? एक इधर से गिरता है, एक इधर से गिरता है। इस डायग्राम के हिसाब से तो एक ही तरफ गिरा रहा है, वैसे थोड़ी होगा। जिसने कराया उसको ने दोनों तरफ मान के कराया, एक तरफ मान के कराया? किसी से हुआ है सवाल?
सवाल किससे हुआ है? सवाल किसी से भी नहीं हुआ, 23 हुआ। कैसे मान के करा? उल्टा मान के करा। मेरे साथ उल्टा मान के ही होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चिंता ना करें। उल्टे का मतलब ये एक्चुअली उसमें क्या है ना, उसमें तो ऐसे ही दिख रहा है, जैसे अगर हम इसको ऐसा साइड व्यू देखें तो ये दोनों एक ही तरफ ऐसे लटका दिए। एक तो ये सिचुएशन है और एक ये सिचुएशन है। अरे भाई साहब, मेरे हिसाब से आंसर ऐसी सिचुएशन से आएगा, जबकि दिखा डायग्राम में ऐसे रखा। मुझे नहीं पता किससे आएगा, पर मेरे हिसाब से ऐसे आना चाहिए। अरे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मैं उसका साइड व्यू बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? क्या बना रहा हूं? साइड व्यू बना रहा हूं उसका। बोलो क्लियर है? है ना? तो बस अब चालू हो जाते हैं। कैसे मान के करूं पहले तो बताओ? ऐसे ही मानू? ओमेगा से घूम रहा है ना। द कंपोजिट पुली इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द डायरेक्शन शोन। ऐसे द पुली ए विल ये वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाय टू। यहां और यहां से वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाय टू लगाते हैं ना। तो पुली होगी तो वेलोसिटी पुली होगी, ये ए और बी हो गए। तो अब ये सिस्टम कैसे घुमाया इन्होंने? एक मिनट, ऐसे घुमाया ना इन्होंने। नया सवाल लग रहा है, ध्यान सुन लो अच्छे से। ये अगर ऐसे घूम रहा है तो ये रेडियस कितना है? आर। और ये कितना है? टू आर। टू आर तो ये हुआ वेलोसिटी टू आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा बाई टू। आर ओमेगा बाई टू है क्या आंसर? आंसर क्या 23 का? देखो हाँ क्या सही। एक मिनट, अपने हिसाब से क्या आ रहा है? बिल्कुल परफेक्ट आ रहा हो तो समझा दूं। आर ओमेगा बाई टू ऊपर, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है, ऐसे ही माना है, ऐसे ही माना है। ध्यान से देखो, बिल्कुल ये सिचुएशन समझ आएगी तुम्हें? पहली बार डायग्राम में एक ही तरफ की सिचुएशन दिख रही हो। अरे वो एक ये सिचुएशन समझ आ रही है सबको? यार हाँ ना बोल, है ना? अब बहुत ध्यान समझ, ध्यान देखिए। पुली तेरे को याद कर, एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा जब कंस्टेंट पढ़ाया था, वेलोसिटी पुली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाय टू। पुली की रफ्तार ये पॉइंट ए मान लो, और ये पॉइंट, इस पॉइंट की रफ्तार कितनी है? टू आर ओमेगा। कितनी है इसकी? कितनी है? माइनस आर ओमेगा। अरे वो भी कंस्टेंट से ही आता था ना यार, वापस कंस्टेंट लगा लो, फॉर्मूला लगा लो। अरे नहीं आया, तो ये ऊपर माना तो टू आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा, टू आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा बाई टू, तो आर ओमेगा बाई टू, आर ओमेगा बाई टू इज द वेलोसिटी ऑफ द पुली, इज द वेलोसिटी ऑफ द, और देख ऊपर आई। अरे भाई साहब हाँ ना बोल, मुझे लगा ही तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? सोच लो, है ना? और पार्ट भी देखते हैं अब इसके। इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली ए, देन द एक्सेलरेशन ऑफ पुली ए विल बी, तब तो ये घूमेगा थोड़ी, तब टेंशन भी सेम रहेगी। अरे टेंशन भी सेम रहेगी ना। अरे मैं सही तो बोल रहा हूं? ओमेगा के साथ कुछ एक्सेलरेशन वगैरह भी दिया हुआ है क्या? बे सवाल कुछ गलत लग रहा है। एक मिनट, अगर ये आर ओमेगा बाई टू है तो इसकी रफ्तार कितनी आई ऊपर? आर ओमेगा बाई टू। तो अगर ये फ्रिक्शन लेस है और नीचे एम जी और वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, ये चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्यों आएगा भाई? मैं लॉजिकली तो बात बोल रहा हूँ यार। अगर इसने ओमेगा कांस्टेंट रखी, ओमेगा चेंज थोड़ी कर रहा है ये। इसने ओमेगा कांस्टेंट कहाँ बोली पर? इसने ओमेगा कांस्टेंट, इसने पूरे टॉर्क वर्क लगाया, इसका मतलब इक्वेशन लगाई है पूरी, इसने उससे रिलेट नहीं करा पहले पार्ट से। इसके इसका मास वास कितना दिया हुआ है? तो इक्वेशन लिखो, दोनों तरफ टेंशन सेम होगी, अलग सेम होगी, तो इक्वेशन लिख लेते हैं। mg माइनस बराबर एम ए, एम जी माइनस टू टी बराबर, उस पर टॉर्क की इक्वेशन लिखो, उस पर टॉर्क, किस पर टॉर्क की इक्वेशन? ऊपर वाले पर टॉर्क की इक्वेशन लिख लो सब लोग। ऊपर वाले पर टॉर्क की इक्वेशन लिखो सब लोग। इधर देख,
इधर लगा टी, इधर लगा टी इंटू टू आर, और इधर लगा टी इंटू, तो कुल मिलाकर टॉर्क कितना है, टी इंटू आर इक्वल्स उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ टोटल, एम आर स्क्वायर बाई फोर इंटू अल्फा। बोलो क्लियर। अब अल्फा और ए में कैसे रिलेशन लाएंगे, देखो ध्यान से, ये ए है ना, ये इसका एक्सप्रेशन ए है ना, तो फिर से वहीं से ले आएंगे जो भी अभी करा, अरे वही एक्सप्रेशन ऑफ कुली इक्वल्स टू, मेरे हिसाब से वही कर लेते हैं, तो ए इक्वल्स टू टू आर अल्फा माइनस आर अल्फा बाई टू, यानी कि ए इक्वल्स टू आर अल्फा बाई टू, अरे सही कर रहा हूं क्या, तो मेरे को चाहिए क्या, ए चाहिए ना, तो अल्फा को रख देता हूं टू ए बाई आर, क्या रख देता हूं टू ए बाई आर, टिचक 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 टिचक, तो t इक्वल टू एम ए बाई टू, तो एम जी माइनस एम ए, एम ए इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू जी बाई टू, देखते अरे यार ए इक्वल टू, अरे यार तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, अब एक और बांटो तुम घिसना, नो मैंने बता दिया, तीसरा खुद घिसना, तीसरा का हिंट देता हूं, क्या उसमें पुली भी चल रही है, पुली तो दोनों तरफ टेंशन सेम होगी, अलग अलग, पर एक और कंस्टेंट की इक्वेशन क्या पुली पे आ जाएगी, किस पे आ जाएगी, यार तुम्हें नहीं आया, ऐसा नहीं कि जो इसका अगला पार्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है कोई बहुत आसान है, पर आप करे भले, मैंने पूरा समझा दिया अच्छे से, अरे नहीं आया, आया नहीं आया, अच्छे सवाल डालेंगे इस बार यार, आप ही को अच्छे लग रहे हैं, हमें तो पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आया था शीट करने के बाद। हाँ आ जाओ, 25 तक हो गया, कोई बुराई यार, थोड़ा तो रेस्पॉन्स दिया करो यार, 26 काम कराए, 26 कोई बुराई, 27 सोच लो कोई बुराई, 28 सोच लो, 29 30 काम कराए, घूमने तो नहीं आयो, 31 32 33 ऐसे घूम रही है ना रॉड, आई वाला सवाल तो पुराना है, आ जाओ इधर सुन, ये ना वैसा है याद कर, अपन ने ना वो पढ़े याद है टायर वायर पढ़े थे, कुछ याद है टायर वायर पढ़े थे, कुछ उस तरह की बात है, रॉड ऐसे घूम रही है, देख ऐसे 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 घूम रही है रॉड, तो ध्यान से दे, तो इसके बॉडी से मान लो रफ्तार ऐसे, तो एम आर क्रॉस वी ऐसे, इसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे, अरे अगर देख ऐसे रॉड घूम रही है तो इस खास कहते तुम्हारे यहां बुढ़ापा आ जाता होगा, मेरा कहां से आ गया बुढ़ापा, तुमसे से 2-5-7 साल ही तो बढ़ाऊं मैं, दो 5-7 जोड़ कितने हुए 14, तो 14 ही तो साल बढ़ाऊं, तो जो रॉड है वो ऐसे है, ऐसे मूव करी, तो ये रफ्तार इधर है, तो एम आर क्रॉस भी ऐसे हुआ ना, तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे देख अंगूठे की डायरेक्शन में, जैसे रॉड घूमेगी एंगुलर मोमेंटम भी घूमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ एम जी टॉर्क, अरे याद है वो पूरा कहिल समझाया था, अरे हाँ ना बोलिया, अब पढ़ ले तेरे को सब समझ आ जाएगा, पढ़ ले तेरे को सब समझ आ जाएगा, हाँ भाई सब कुछ सही है, अब एक बार ट्राई करो, सब बिल्कुल सही है, परफेक्ट, अरे सही है बिल्कुल यार, मैं कह रहा हूँ सवाल पुराना है, अकल तो लगाओ, 35 एक नहीं 32, 33, 34 हो जाएगा क्या, 35 घिसना है, अगेन घिसू है, घिसू
पुराना है ये भी 35। इधर देख, इधर सुन, जिस सवाल में मैं बोलूं कि आंसर आ जाएगा इसका मतलब आ जाएगा, क्योंकि जो पुराने हैं तो मेरे को याद है भाई आएगा ही, जैसे ये नया था तो मैंने पूरा कर दिया कि भाई आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं, है ना। इसलिए जिसमें बोलूं कि आ जाएगा इसका मतलब आ जाएगा, वो मैंने पहले चेक करा हुआ होगा, तो कुछ नई शीट बनी है तो काफी कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, तो नए अगर उनमें कहीं कन्फ्यूजन आता तो मैं चेक कर ही देता हूँ आपके सामने। आ जाओ, वन आइस स्केटर ऑफ मास एम मूव्स विद स्पीड 2v, मूव्स विद स्पीड 2v टू द राइट, व्हाइल अदर ऑफ द सेम मास एम मूव्स विद स्पीड v टुवर्ड्स द लेफ्ट एज शोन इन द फिगर, देयर पाथ्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस b एट t इक्वल्स टू 0, व्हेन दे आर बोथ एट x इक्वल्स टू 0 दे ग्रास्प अ पोल ऑफ लेंथ b एंड एग्जिबल मास। बेसिकली सवाल ये है कि अपना एक पोल है जिसपे इधर से एक मास आ रहा है m इंटू 2v से, और एक इधर आ रहा है, दोनों का मास m है ना, हाँ, m इंटू v से, ये दोनों आके यहाँ पे पोल को पकड़ लेते हैं, जाहिर सी बात है पोल को पकड़ लेते हैं तो क्या लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम सब कंसेप्ट है, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम सब कंसेप्ट है, दोनों का मास वास सेम है, बिल्कुल सिंपल सी बात। अगर अपन जस्ट पकड़ने की बात की बात करें तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, सेंटर मास यहाँ बन जाएगा, इसकी रफ्तार भी होगी, घूमने लगेगा ओमेगा से, वी और ओमेगा दोनों निकालने का तरीका लीनियर मोमेंटम और सिंपल कहानी। लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए अगर अपन बात करें तो लिखा जाएगा m इंटू 2v, m इंटू 2v माइनस mv इक्वल्स टू 2mvc, पहले था यस और नो, तो सही तो कर रहा हूं, तो vc के लिए कितनी आई भाई साहब v by 2, अरे कितनी आई घूमने के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जिसके अबाउट आपको करना है कर लो, इसी का अबाउट कर लेते हैं, इसके अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करें तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दिस कितना 2mv b by 2, 2mv अंदर की तरफ, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हुआ 2mv b by 2 अंदर की तरफ एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट जो ऐसे कर यहां के अबाउट देखेंगे तो mv b by 2 दोनों जुड़ेंगे घटेंगे जुड़ेंगे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट जो आपकी ये वाली लाइन इसके अबाउट जो लिखा जाएगा, इसका एंगुलर मोमेंटम mv vc का तो 0 हो जाएगा, vc का तो 0 हो जाएगा, अरे हां ना बोले यार, क्या सिंपली i ओमेगा बचेगा, क्या बचेगा i ओमेगा के लिए i जो लिखेंगे लिखेंगे m b by 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू ओमेगा, तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ, सवाल देख के डर गए तुम लोग, कोई बहुत टफ सवाल है नहीं, वो एक लीनियर मोमेंटम इक्वेशन है, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन ध्यान देना, बस कैलकुलेशन गलती नहीं करी हो, बाकी सब कुछ सही है इसमें, 2 mv b by 2 है, 2 ने 2 को मान लिया, mv b by 2, 3 mv b by 2, इधर आ गया ये 2 2 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया एम बी स्क्वायर ओमेगा बाई 2, बोल 2 ने 2 को मार दिया, एम ने एम को मार दिया, एक बी ने बी को मार दिया, ओमेगा की वैल्यू आई 3v by 2b, सही तो लिखा मैंने, 2 नहीं आएगा, 3v by, सही कर रहा हूं ना मैं, अरे हाँ ना तो बोल, अरे हाँ ना बोल, अभी रोड चल रही है, सही आ रहा है ना आंसर तो, हाँ 3v by b बिल्कुल सही आ रहा है, अब जब ये रोड चल रही है स्केटर ऑफ द स्केटर इनिशियली एट वाई को सुबी, तो जो ऊपर वाला स्केटर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सिंपल, क्या किसी भी टाइम टी पे ऐसे हो जाएगा, ये स्केटर किसी भी टाइम टी पे ऐसे हो जाएगा, कितना घूम चुका होगा ओमेगा टी, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, देख v by 2 b, किसी टाइम टी में इसका सेंटर मास कितना चल चुका होगा v by 2 t प्लस ये b by 2 साइन ओमेगा t, अबे यार इस सिचुएशन के बाद इस स्केटर को चलेंगे, चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो क्या इसका सेंटर मास आगे आ गया v by 2 t, yes, कितना आ गया, और ये घूम गया ओमेगा t, घूम गया ओमेगा टी, तो यहां पे सिचुएशन आई ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, v by 2 t प्लस b by 2 sin ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू ये रही, देख आंसर आ रहा है क्या, देख आ रहा है क्या, अरे देख आ रहा है क्या, अरे मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, अरे काम नाम करके आते हो, अरे पक्का, आ जाओ, कौन सा था ये 35, कितने सवाल हैं इसमें, थर्टी फाइव हो गया, थर्टी फाइव हो गया, 36, 35 बहुत है, अगले टर्न करेगा।